हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे अपने घर पे। सो आज मैं एक बहुत ही फेमस कैफ़े में जाने वाली हूँ एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोग गए भी होंगे, बट आई थॉट कि क्यों ना इसे ट्राई करा जाए। दिस इज़ वन ऑफ द कैफ़ेज़ जहाँ पे पेट्स भी अलाउड हैं। सो ये चीज़ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आई एम श्योर कि आप सभी लोग शाउट आउट का वेट कर रहे हो एंड इस वीडियो में शाउट आउट जाता है दीपक चंद को। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली कॉमेंट। If you want shoutouts like these on my video, then make sure to like, share and subscribe and hit the notification bell so that you get notified every time I upload a video. लेकिन कि आपको काफ़ी सारे outlets all over Delhi मिल जाएंगे, but जिस specific outlet में मैं आई हूँ, that is in Anand Lok. Cost for two is approximately 1400 INR. Both indoor and outdoor seating are available and I feel कि यहाँ पे आपको evening में आना चाहिए and जो पूरा vibe है इस place में वो evening में सबसे best आता है। This place is perfect if you want to visit with your friends or family or if you want to come here for a date. अभी तक तो मैं इस जगह से इसके ambience के लिए काफ़ी ज़्यादा impressed हूँ। Let's see कि इसका menu कैसा है, how vast is it? And most importantly, यहाँ पे food का taste कैसा है, if it's worth it or not. So the cuisine they serve is Italian continental. Few of the popular dishes are citrus burger chicken, signature ravioli, mango mint smoothie, guava punch. सो यहाँ पे मैं इतने सारे ऑप्शंस देख के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। तो यहाँ पे जिन्होंने मेरा ऑर्डर लिया, मैंने उन्हीं से उनकी स्पेशलिटी पूछी एंड व्हाट दे रेकमेंड। सो द फर्स्ट थिंग दैट दे रेकमेंडेड मी इज़ ऑरेंज पीच ब्लॉसम। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा डिलिशियस लगा। इसमें काफ़ी अच्छा मिंट का फ्लेवर आ रहा था, ऑरेंज का फ्लेवर आ रहा था, जिसके वजह से काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। ऑरेंज पीच ब्लॉसम तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई ऑर्डर्ड इज़ अ रावियोली विद चिकन बोलोनीज। अगर मैं ओवरऑल इसके टेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी देन व्हाट आई यूजुअली ईट एंड इसके अंदर जो रावियोली है उसके काफ़ी अच्छे बड़े पीसेज हैं। सो ये चीज़ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इसके अंदर फिलिंग भी काफ़ी अच्छी हो रखी। एग्जैक्टली किस चीज़ की थी वो तो मुझे नहीं पता, बट इसमें मिन्स चिकन था जो कि ओवरऑल रावियोली के साथ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अगर मैं इसके गार्लिक ब्रेड की बात करूँ तो वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, और ज़्यादा थोड़ी सी क्रिस्पी हो सकती है। ओवरऑल मैं इनकी रावियोली से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, रीज़न बीइंग कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी। अराउंड 5 to 6 ईयर्स अगो मैंने डिगिन ट्राई करा था एंड मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। सो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस इस टाइम रहा है बिकॉज फूड ओवरऑल काफ़ी टेस्टी था। सो इन दी एंड आई ट्राइड देयर चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी। एट फर्स्ट मैं इनकी ब्राउनी को देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी बिकॉज ये इतनी ज़्यादा थिक नहीं थी, काफ़ी थिन थी एंड मैं ओवरऑल क्वान्टिटी को क्वेश्चन कर रही थी एट फर्स्ट। बट लेटर ऑन जब मैंने इस पर बाइट ली तो काफ़ी ज़्यादा इनकी हैवी ब्राउनी है एंड आई गेस जो क्वांटिटी ये प्रोवाइड कर रहे हो बिल्कुल सही है। अगर मैं इसकी टेस्ट की बात करूँ तो ये काफ़ी चॉकलेटी है, एज़ यू कैन सी कि इन्होंने काफ़ी चॉकलेट ऊपर ड्रिजल करी हुई है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि ब्राउनी के बीच में भी इन्होंने थोड़ी बहुत वॉलनट्स डाली हुई है, जिसकी वजह से एक अच्छा क्रंच आ रहा है एंड आइसक्रीम चॉकलेट एंड ब्राउनी वॉलनट्स सब का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है। सो ओवरऑल मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा डिलिशियस लगा। ओवरऑल जितनी भी डिशेज मैंने ट्राई करी हैं आज की वीडियो में, मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। मैंने रियली एक्सपेक्ट नहीं करा था। नाउ आई टोटली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा वेटिंग क्यों होती है। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा एंड इफ यू लाइक इट देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो। सो मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।